नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज शास्त्र की इस वीडियो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। इससे पहले हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बताया था कि अल्पकाल के अंतर्गत कुछ साधन को स्थिर रखकर एक साधन यानी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में परिवर्तन होता है। शुरू में यह परिवर्तन जो उत्पादन है बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद स्थिर होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आज हमने इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि टीपी यानी कुल उत्पादन और एमपी यानी सीमांत उत्पादन के मध्य क्या संबंध होता है। इसको जानने के लिए हम इसके पहले रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में भी किया था टीपी और एमपी में। तो देखो, जब हमने एक इकाई लगाई तो कुल उत्पादन, जब पहली जीरो शून्य होगा तो उत्पादन भी शून्य होगा, एमपी भी शून्य होगा और एपी भी। जैसे हम उत्पादन के साधनों की इकाइयों यानी कि श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो एक लगाने पर कुल उत्पादन 5 और एमपी 1, दूसरे 15 और 10 हो जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब एमपी बढ़ता है, हम इसको मेन किससे बात करेंगे, पहले एमपी को ध्यान में रखेंगे फिर उसका टीपी से संबंध याद करेंगे। जब एमपी बढ़ता है तो टीपी भी बढ़ता है, ठीक है। देखो, एमपी 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया और टीपी क्या है, टीपी भी 5, 15 और 23। तो क्या है, जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है। फिर चौथी इकाई में आकर एमपी क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया और उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी दर क्या हो रही है, कम हो जाती है। यानी कि एमपी जब घटना शुरू होता है, घटता है तो टीपी क्या होगा, घटती दर से बढ़ता है। जब एमपी घट जाता है यानी कि कम होकर शून्य हो जाता है तो जो कुल उत्पादन है यानी कि टीपी वो अपने अधिकतम बिंदु तक पहुंच जाता है। और जब एमपी ऋणात्मक हो जाता है यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव चली जाती है तो कुल उत्पादन क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमें समझ आ गया कि एमपी और टीपी में क्या संबंध रहेगा, कि जैसे जब एमपी बढ़ता है तो कुल उत्पादन भी तेजी से बढ़ता है, एमपी घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। बढ़ेगा तो सही लेकिन उसकी दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब एमपी शून्य होता है तो हमारा कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है और जब एमपी घटना शुरू होता है यानी ऋणात्मक हो जाता है तो टीपी क्या होगा, हमारा घटना शुरू यानी कि कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर से बिना किसी लर्न की, आप स्ट्रक्चर ध्यान में है इसे बनाओ, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, ये टीपी और एमपी का हो गया। अब है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, औसत उत्पादन और एमपी सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है। औसत उत्पादन आपको पता है किसके बराबर होता है, टोटल उत्पादन को जब हम इकाइयों से भाग दे देते हैं तो औसत उत्पादन हो जाता है। और एमपी क्या होता है कि एक कुल उत्पादन में एक इकाई और लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो एमपी हो जाता है। तो अब इन दोनों का भी रिलेशन हम देखते हैं, ये हमारे पास एपी है और एमपी है, दोनों हमारे पास पड़े हैं। तो देखो, जब एमपी बढ़ता है, पहली इकाइयों में देखो 5, 10, 15, जब एमपी बढ़ता है तो औसत उत्पादन यानी कि एपी भी बढ़ता है। और क्या होता है, जब एमपी बढ़ता है या एमपी है, एमपी एपी से अधिक है, एमपी जो है एपी से अधिक है। फर्स्ट इकाई में 5 और 5 है, इधर एमपी कितना है, 10 है, तो औसत उत्पादन कितना है, 7, 5 है। और एमपी जब 15 है तो औसत उत्पादन 10 है। यानी कि जब एमपी अधिक है तो एपी भी अधिक होता है लेकिन एपी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इसी प्रकार जब एमपी घटता है तो एपी भी घटता है, ठीक है ना। एमपी क्या है, 10 से क्या हो गया, 5 हो गया, तो एपी भी घटता होता है, एपी भी कम होता है यानी कि एपी भी घटता है। जब एमपी और एपी बराबर हो जाते हैं, ठीक है, जब एमपी और एपी बराबर होते हैं, यहाँ फोर्थ इकाई पे देखेंगे एमपी और एपी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, तो एपी क्या होता है, अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ देखो, पहले एपी 5 था, 7, 5, 5, 10, 10, अब 10, 10 पे क्या हो गया, ये अपने अधिकतम, उसके बाद ये क्या हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया। तो जब एमपी और एपी बराबर होते हैं तो एपी क्या होगा, अपने अधिकतम बिंदु पर हो जाता है। और जब एमपी ऋणात्मक होता है तो एपी क्या होता है, एपी तो घट ही रहा है, एमपी ऋणात्मक होता है, एमपी ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये धनात्मक ही रहता है। तो इसको भी समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एपी और एमपी स्ट्रक्चर हमें समय ध्यान है, एपी और एमपी दो चीज़ें होगी। जब एमपी बढ़ रहा है, एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, और दूसरा है जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी घटता है, और जब एमपी और एपी बराबर होते हैं
तो एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, एमपी ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यह हमेशा धनात्मक होता है। यह हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ये बिंदु मिल गए हैं आपस में, फोर्थ पॉइंट पे और सिक्स पॉइंट पे दोनों चीजें क्या होगी हमारी, इक्वल हो रही है। अब एक आगे दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो कौन से, जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि एमपी वक्र एपी वक्र को उसकी उच्चतम बिंदु पर क्यों काटता है। कहता है एमपी वक्र जो है एपी वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर क्यों काटता है। कहता है क्योंकि, कब क्यों करता है, जब एमपी बढ़ती है तो एपी, एमपी क्या होती है, जब एमपी बढ़ती है वो एपी से अधिक होती है, और तब एमपी एपी से अधिक होती है, और जब एपी में गिरावट आती है तो एमपी एपी से कम होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा की गिरावट होती है, और जब एपी अपने उच्चतम बिंदु पर स्थिर होता है तब एपी और एमपी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अतः एमपी वक्र एपी वक्र को उसकी क्या कहेगा, उच्चतम बिंदु पर काटता है। अगर हम पीछे डायग्राम में आप देखोगे, डायग्राम में जाके देखोगे तो यहाँ पे ये इसके बिंदु पर काट रहा है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन होता है ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में क्या टीपी तथा एमपी दोनों गिरती हुई अवस्था में होनी चाहिए। यानी कि ह्रासमान जो घटता प्रतिफल का नियम होता है, उस स्थिति में जो टीपी है, टीपी तथा एमपी, देखो गिरेंगी तो सही, टीपी और एमपी दोनों गिरती हुई अवस्था में होनी चाहिए। कहता है ऐसा नहीं है, कहता है नहीं, ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में एमपी गिरती हुई अवस्था में होती है, लेकिन और जब एमपी गिर रही होती है तो टीपी जो है उसके बढ़ने की दर घट होती है, यानी कि वो घटती दर से बढ़ती है। टीपी बढ़ती हुई होनी चाहिए परंतु घटती दर से, यानी कि एमपी तो कम हो रही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है एमपी, लेकिन जो टीपी है उसमें बढ़ेगी तो सही लेकिन उसकी दर क्या होगी, वो घटती हुई होगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।